माय डियर स्टूडेंट्स, डीडी एकेडमी के तरफ से आप सभी का अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज बोलेंगे कि सर ये क्या चीज है, प्रत्येक सवाल को दो विधियों से हल किया गया है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ दिनों से ब्लॉक मेथड्स शुरू किया था, तो बहुत सारे लड़कों को ब्लॉक मेथड्स पसंद थे और बहुत सारे लड़कों को ब्लॉक मेथड्स नहीं पसंद थे। तो मेरे लिए एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि मैं किधर जाऊं। कोई बोले कि सर ब्लॉक मेथड में करो, कोई बोले कि सर प्लीज ब्लॉक मेथड में नहीं करो। तो मैंने देख सोचा कि क्यों मैं ऐसा ना शुरू करूं कि मैं दो विधि से ही बनाना शुरू करूं और जिसे जो विधि पसंद हो उसे वो विधि ले ले। तो फिर क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चंस को हम किसी विधि में किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, हमें तो सॉल्व करना आना चाहिए। और दूसरी चीज है, मेरे पास एक पसंद हो जाता है, एक रास्ता हो जाता है कि एक थोड़ा हम लंबे तरीके से जाते हैं और हम शॉर्ट तरीके से जाते हैं, या लंबा तरीका कितना लंबा हो जाता है, शॉर्ट तरीका कितना शॉर्ट है, यह भी देखने का मौका मिल जाता है। और किसी चीज को अगर एक तरह से नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो इन सोचों के साथ मैंने ये क्लास शुरू किया और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर मुझे बताएंगे, क्योंकि ये मेरी एक्सपेरिमेंट की तरह ही है, कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, ये दो विधि आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्योंकि इसमें एक चॉइस है आपके पास, आप दोनों विधियों को एक साथ कर रहे हैं इसके लिए। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही एक बात बोलना मैं चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर डालें, क्योंकि इससे मेरा तो एक फायदा है ही है दोस्तों, मैं दूसरों की तरफ नहीं बोलूंगा कि मेरे को कोई फायदा नहीं है, लेकिन साथ 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 आपको भी थोड़ी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सवाल है ये सबके लिए है, केवल मतलब है कि सॉरी ये सबके लिए है, मतलब देखो ये सवाल एसएससी सीजीएल का 1999 का है, इसको हिंदी और इंग्लिश में भी रखा हुआ 1999 का, लेकिन अब इस तरह के सवाल एसएससी सीजीएल टाइप में बहुत कम आते हैं, लेकिन उसके नीचे अगर जो भी आप जाना चाहते हो, सीएचएसएल जाओ, सीपीओ जाओ, जीडी तक जाओ, पटवारी जाओ, रेलवे जाओ, हर जगह आता है, लेकिन एसएससी सीजीएल में कम हो गया है। तो देखो, जब भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं तो मेरा एक और भी काम बन जाता है कि उस क्वेश्चन की प्राथमिकता क्या है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स बराबर 1/3y। देखो दोस्त, आप समीकरण का मेरा आप जरूर जानते हैं, ये 1/3 गुना वाई है, तो y को इधर ले जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, तो क्या होगा x/y, तो x/y बराबर 1/3 हो गया, y बराबर 1/2 इंटू जेड है, तो z को अगर इधर ले जाएंगे तो y बटे z बराबर 1/2। अब देखो, रेगुलर शॉर्टकट मेथड, ये भी बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, तो हमारा क्या हुआ x:y बराबर 1:3। देखो ये रेड में मैंने 3 लिखा हुआ है, y और z क्या है, y और z 1/2, और पूछा क्या था x y z किसके बराबर होगा, देखो पूछा क्या था x y z किसके बराबर होगा x y z, तो देखो हमने 1:3 किया, लेकिन यहां 1:2 है। नियम क्या है, नियम है अगर ये 3 है, अगर इसको मेरे को बराबर करना है, ये 3 है तो ये भी 3 होना होगा, तो सिंपल है ना यार, इसको 3 से दोनों को गुणा कर दिया, इधर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, क्यों किया, क्योंकि मेरे को x:y है, y:z है, मतलब यहां y का जो मान होना चाहिए यहां भी y का वही मान होना चाहिए, तो 1:3 था, यहां पे 1 था, देखो 3 था 1 था, तो क्या क्या इसको 3 से गुणा किया, इसको जब 3 से गुणा करूंगा तो इसको भी 3 से गुणा करना होगा, तो 3:6 हो गया। तो फिर रेशियो क्या हुआ, x:y:z देखो 1 है ही है, 3 दोनों में है, 3 और 6, 1:3:6,
ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा अब हम ब्लॉक मेथड में जाते हैं। ब्लॉक मेथड में देखो ये तीन घर बना दिया, एक और तीन, एक और वाई बोला है ना, ये एक और तीन यहां से आए, ये मनी मन सोचा एक से, एक से वन इज टू थ्री। देखो वन बाई थ्री को यहां कैसे लिखते, एक और वाई के नीचे तीन लिख दिया। और अब है वाई और जेड, वाई और जेड क्या है देखो, एक बटे दो है तो एक बटे दो, सीधी बात है ना, ये तीन है ये एक है, नियम में क्या होना चाहिए, ये भी तीन होना चाहिए, तो हमने सीधे तीन से इसको गुणा कर दिया दोनों को, तीन और छह, तो क्या हो गया एक्स इज टू वाई इज टू जेड बराबर वन इज टू थ्री इज टू सिक्स। तो देखिए दोनों विधि आपके सामने खड़ा है, जो विधि आपको सही लगता है आप उसी विधि को एक्सेप्ट करें। तो ये है कि मेरे क्लास में एक तो बड़ी बात कर दिया मैंने, मैं खुद खुश हूं, बहुत खुश हूं आज कि मैं दो दो विधि पे करता हूं। यार चॉइस तो आपका है, जो चाहिए वो ले लो, ठीक है ना, यहां तक कि कुछ को इस विधि में कर लो कुछ को उस विधि में। तो देखो ऐसे तो देखो दो तीन चार तरीके से किसी मैथ को किया जा सकता है। मैं बहुत दिन पहले से भी करता हूं, लेकिन मेरे को ये सूझा नहीं कि ऐसे भी तो मैं सब स्टूडेंट को ऑफर कर सकता हूं। एक छोटी सी बात बोलूं आपको, स्टीम इंजन 1800 शताब्दी की देन है, ठीक है। क्या हुआ, हम भाप के इंजन से ट्रेन पे चल रहे थे और 1960 में 50 से 60 के बीच में घर में प्रेशर कुकर आया, तो समझ रहे हो ना, जिस भाप से हमने एक ट्रेन चलाई पूरी दुनिया ने चलाई, लेकिन उससे प्रेशर कुकर बनाने का ना उसको दिमाग में आने के लिए 70 साल से ज्यादा वेट करना पड़ा। तो ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं और कोई कारण नहीं है कि देखो ये सबको पता है, बहुतों को इस तरह के दो तीन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड अगर आप लोगों को ऑफर किया जाता है तो उससे आपको जो एक अदर बेनिफिट मिल जाता है, ये बात मैंने अभी तक किसी को करते हुए नहीं देखा। मैंने एक आय किया तो मेरे को लगा कि ये सही है, इस तरह के ऑफर होना चाहिए, जिसको जो चाहिए वो ले लो। ओके देन चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। हाँ एक और भी सवाल है, देखो यार मैं सप्ताह में कम से कम 10 वीडियो 10 टाइप के वीडियो 10 जरूरत के लोगों को देता हूं, लेकिन मेरे सारे स्टूडेंट्स से बोलता है कि सर आपका वीडियो नहीं मिला, यहां तक कि मैं जानता हूं सबने सब्सक्राइब किया है घंटी भी दबाया है, तो भी पता नहीं आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम शायद यूट्यूब के साथ जुड़े हुए। इसलिए मैं हर दिन एक मिनट लूंगा, हर सप्ताह में क्या क्या मैंने वीडियो दिया है उसके बारे में आपको बता देता हूं यहां पे। साथ ही साथ ये वीडियो जो है अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, फिर से दोहराता हूं, पिछले एक सप्ताह में मैंने क्या क्या वीडियो रिलीज किया है, पोस्ट किया है, पब्लिश किया है, उसका ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है लिंक के साथ। और यही चीज आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जैसे क्लिक करेंगे निकल जाएगा। तो फिर अभी इसको सुनने के बाद जो आपको सही लगता है उसे आपको देखने के लिए खाली लिंक को पुश करना है, तो जिससे यह होता है कि कम से कम अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता भी है किसी कारण से, मेरे को एक सांत्वना होता है कि मैंने आपके लिए कोशिश किया और आपने उसे देखा, वही तो सबसे बड़ी बात होती है ना। तो चलिए हम इसके पहला ही जो है, इसके पहले जो एक वीडियो मैंने रिलीज किया था वो रिलीज है मेंसुरेशन रेक्टेंगल, मतलब क्षेत्रमिति पे आयत से जुड़े हुए सारे प्रश्न, आयत से जुड़े हुए सारे प्रश्न, चाहे वो आप एक पटवारी या पुलिस की बात करें, बैंक की बात करें, आप एसएससी सीपीओ की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सारे का हमने यहां पे ये किया हुआ है, उसको लेके डील किया हुआ है। और इसके ये आपकी ये आपकी इस डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसके पहले एक और मैंने ये क्या कहते हैं रिलीज किया था वीडियो, पहली बार बैंक पीओ क्रैक करने की विस्तृत प्लानिंग। देखिए बहुत सारों ने लिखा है कि ऐसे क्रैक करो वैसे क्रैक करो, लेकिन मैं ये बोला हूं इस 62 साल की उम्र में कि सपोज मैं बैंक पीओ बनने चाहता तो बैंक पीओ बनने के लिए मैं क्रैक करने के लिए अपनी प्लानिंग कैसे बनाता, कौन सी बुक पढ़ता, क्यों पढ़ता, तो ये सारे सवालों को मैं खुद पे अजमाते हुए किया हुआ है। और ये केवल बैंक पीओ के लिए नहीं है,
आप किसी भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, देखिए प्रिपरेशन का तरीका तो एक ही होता है। तो अगर आपको, सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर देखना दोस्त, क्योंकि इसमें वो सारी विधियां दी गई है, एकदम एक एक पकड़ के दिया गया है कि मैं क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, कितना वक्त लगाऊंगा पढ़ने के लिए, हर दिन क्या पढ़ूंगा, क्या रिविजन करूंगा, सारी चीजें हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम देने के लिए। तीसरा देखो कि मैं बेसिक्स के क्लास तो लेता हुआ जाता हूं। देखो घातांक पे बहुत सारे बच्चों का था, आप लोगों का एक ये था कि सर घातांक के ऊपर सर्च के ऊपर दो, तो मैंने सर्च के ऊपर दिया, इसी सप्ताह दिया है। फिर रेलवे के आप जानते हो हर बृहस्पतिवार को मैं एक क्लास लेता हूं, मतलब यूट्यूब पे, तो इस बार का बृहस्पतिवार का क्लास जो था संख्या पद्धति के ऊपर। सिलोजिज्म में जो रिसेंट पैटर्न है, देखो मैं आईबीपीएस हो, बैंक हो, एसएससी हो, सबके लिए वीडियोस बनाता हूं, तो सिलोजिज्म के ऊपर जो पिछले दो सालों में जो नए पैटर्न आए हैं उसे हम अपने तरीके से कैसे करें, या धीरे से घटा के बोले कि डीडी स्टाइल में कैसे करें, तो इसके लिए एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अब आते हैं बेसिक में, समीकरण के ऊपर भी बहुत सारों का था कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के थे कि सर जरा बेसिक के ऊपर समीकरण का ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये सब, तो इसके ऊपर बना देना। फिर ट्रेन के ऊपर जो था बेसिकली समय और दूरी में ट्रेन के ऊपर था, उसमें सारे सवाल को मैंने एक सहज तरीके से किया हुआ है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पे बहुत सालों का था, वो भी मैंने इसी बार किया है कि किसी भी परीक्षा को क्रैक कर, सॉरी ये टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर पूरा का पूरा बहुत सारे मैथ को मैंने किया है। उसके बाद एक और टॉपिक दिया था मैंने, वो था किसी भी परीक्षा को, चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो, हम क्रैक करने के लिए आधी तैयारी, फिर से बोलता हूं, आधी तैयारी से पूरी जंग लड़ी जा सकती है। देखो यार तैयारी कर रहे हो तो ये भी एक देखने वाली वीडियो है, तो ये वीडियो में भी बहुत कुछ चीजों को आपको जानने को मिलता है। अब 7 दिन का लेखा जोखा था, तो ये तो रेलवे का मैंने जो क्लास लिया हुआ था, कहां गया इतने सारे, हाँ, और एक सप्ताह पहले मैंने सेकेंड डे क्लास था, उसमें रेलवे में सर अजमेर या बिलासपुर के से जितने सारे सवाल पूछे गए थे उसका मैंने हल किया हुआ है। तो चलिए, हमने आपका देखिए 2 मिनट लिया, लेकिन 2 मिनट इसलिए मैंने लिया कि मेरी जो कोशिश है वो कोशिश आप तक पहुंचे। इसमें से जो भी आप देखना चाहते हैं, फिर से बोलता हूं, डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले गए, सबका लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे। अब क्या करूं, YouTube से आपको अगर सही टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मेरा एक कर्तव्य बन जाता है कि थोड़ा सा प्रयत्नरत मैं ही रहूं, तो इसके लिए किया हुआ है, इसके लिए आपके भी 1-2 मिनट बिगड़ गए, तो मैं क्षमा चाहता हूं दोस्त, लेकिन आप समझते ही हो जिनको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं उनके लिए ये चीजें जरूरी हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो दो संख्या का अनुपात जो है और उनका अंतर 3:8 है, तो पहले हम रेगुलर मैथ सिस्टम में क्या करेंगे, 3:8 है, मतलब हम एक को 3x मानेंगे, दूसरे को 8x मानेंगे, और उनका अंतर 115 है, अंतर मतलब डिफरेंस, तो 8x माइनस 3x बराबर 115। अब 8x से 3x घटाएंगे तो सीधी भाई 5x होगा, 5x बराबर 115, तो x की वैल्यू क्या है, तो 115 को सीधा 5 से भागा दीजिए 23। अब देखो हमारे पास 23 जैसे ही x की मान आ गई तो हमें संख्या मिलने लगे, पहली संख्या क्या है वो, अच्छा इसने सबसे छोटी संख्या बोला है, तो छोटी संख्या क्या है, नेचुरली 3x छोटी होगा, 8x तो बड़ा होगा ना, तो 3x बराबर 3 को 3 रख दिया, x का मान क्या है 23 रखा, तो 23 को 3 से गुणा किया 69। देखिए ये भी 1999 की SSC CGL है, मत घबराइए, ऐसा नहीं कि इस तरह के सवाल SSC CGL में अब भी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन ये सवाल अब CHSL में प्रोमिनेंट हो गया, CPO में तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है जो जानते हैं, और आपके पटवारी यहां पुलिस में भी अब यही सवाल आते हैं, मतलब क्या है,
अब ये नहीं बोल सकते हो, लोग बोलते हैं ना ये सीजीएल की सवाल है, ये आपका पुलिस की सवाल है, अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी है। जो सवाल पहले सीजीएल में पहले पूछे जाते थे, 2-3 साल के बाद वो सीएचएसएल में आ जाते हैं, फिर सीएचएसएल से चल के वो सीपीओ में चले जाते हैं, सीपीओ से फिर जीडी में जाते हैं, और जीडी के क्वेश्चन को देख के हर जो है पुलिस की स्टेट वाइज जो पुलिस होता है उसको फॉलो कर लेते हैं। तो सोचो चला कहां था 1999 में, मतलब आज 17 में बैठे, 18 साल पहले ये शुरुआत हुआ, तब सीजीएल की लेवल आप खुद सोचो क्या था। और आज के डेट में आप अपनी अगर पुलिस की नौकरी दे रहे, आप कोशिश कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप अपनी बुक्स में देखो कि पिछले साल क्या क्वेश्चन था। तो ये सवाल चला कहां से था, पहुंचा आज कहां पे है। तो ये टैग को देख के कभी घबरा मत जाना, अब वो उस तरह देख के काम सीखने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब चलिए सवाल को हम ब्लॉक मेथड में करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा, एक्स वाई, देखो प्रोमिनेंट चीज को लिखा जाता, अंतर वाई माइनस एक्स। तो देखो यहां पे 3x है, यहां मैंने 3k किया, क्यों, टाइपिंग में सुविधा होता है, कुछ नहीं है, x2 k2 a2 बात एक ही है। तो x ये ऊपर वाला है, हमने x मान लिया 3k, हमने देखो y माना हुआ है, यहां कोई y का सीन ही नहीं है, ब्लॉक मेथड में लेना पड़ता है, तो y ले लिया मैंने, y 8k ले लिया। डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस y माइनस x होता है ना, y बड़ा है ना, तो y माइनस एक्स मतलब 8 से 3 घटाया 5 के बराबर 115, के बराबर 23। अब 23 से सीधा 3 को गुणा किया 69, 23 से सीधा 8 को गुणा किया 184, मैथ बन गया। देखो दोनों में बहुत सारा अंतर तो नहीं है, लेकिन एक चीज है कि ब्लॉक मेथड में सारा चीज दिखता है, बड़े प्यार से क्लियरली दिखता है। तो ये ब्लॉक मेथड की खूबी होती है, शब्दों को लिखना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो भैया मैं ब्लॉक मेथड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, जिनको जो मेथड पसंद है उनको वही स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बोलता है ये भी सवाल, देखो 2000, ठीक है ना, m is to n 3 is to 2 है, ये शायद CHSL में एग्जैक्टली यही सवाल था, ये पिछले साल आया था, ये क्या है 15 में एग्जैक्टली यही सवाल आया हुआ था CHSL में, CGL के बाद, मतलब 15 साल के बाद रिपीट हुआ था। अब देखो m is to n बराबर 3 is to 2 है, मैं रेगुलर मेथड में करूंगा फिर ब्लॉक मेथड में करूंगा। m is to n मतलब m बटे n बराबर 3 is to 2 है, कहीं कोई संदेह का बात नहीं है। अब हम करते हैं, अब देखो मामला यहां गड़बड़ाया है, यहां था 2m बराबर 3n होगा, 2m बराबर 3n, तो इसे हमें सही कर लेना चाहिए। ऐसा क्या हो जाए यार कि मैं वीडियो बनाऊं और मेरा जो बंदा है गलत नहीं करे, अरे यार तो गड़बड़ हो जाएगा, उसकी रिकॉर्ड खराब हो जाएगी। तो 2m बराबर हुआ 3n, अब समझे क्यों, 2 से m गुना होगा तो क्या होगा 2m, n से 3 गुना होगा तो हो जाएगा 3n। और दोस्त अगर समीकरण अभी भी फंसता है आपका, अभी भी समीकरण अगर फंसता है तो इसी में समीकरण का डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया हुआ, इसी सप्ताह मैंने इसे पब्लिश किया है, तो प्लीज उसे देख लेंगे दो बार तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब आते हैं, देखिए यहां बोला है 4m प्लस 5n, तो चलिए हम लिखते हैं 4m प्लस 5n बटे, देखो खाली उतार दिया है मैंने, 4m प्लस 5n, 4m प्लस 5n बटे इस टू मतलब बटे 4m माइनस 5n, 4m माइनस 5n। अब देखो m से n तो घटा नहीं सकते हैं, तो जरूरी है क्या, जरूरी है कि मैं m को n में चेंज करूं। अब देखो 2m बराबर 3n है, 2m बराबर 3n, 4m बराबर होगा 6n, फिर से बोलता हूं 2m बराबर है 3n,
ठीक है, दो मैंगो बराबर है तीन नींबू, तो चार एम बराबर इसका दुगुना कर दिया तो इसका भी दुगुना करेंगे, छह नींबू, चार मैंगो बराबर छह नींबू, तो यहां पे चार एम के बराबर हमने छह नींबू कर दिया, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही लिख दिया, नीचे भी फोर एम था उसको एन में चेंज कर दिया, तो देखो क्या हुआ, छह एन प्लस फाइव एन बराबर ग्यारह एन हो गया, छह एन से फाइव एन घटाया तो एन हो गया। अब भैया एन एन तो कटिए जाएगा ना, तो ग्यारह बटे वन होगा, ग्यारह बटे वन को क्या लिखेंगे, ग्यारह इज टू वन। अब देखो यहां पर हमने क्या लिखा, m और n लिखा, m का मान तीन है, ऊपर का मान m का मान यहां तीन है, n का मान यहां दो है, ठीक है। अब देखो 4m, 4m बराबर क्या हुआ, अब 4m जो है हमें n में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम यहां पे सीधा सीधी क्या करते हैं, दो हम ऐसे वैल्यू को देखते हैं ब्लॉक में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 4m जो है मतलब ये दुगुना होगा, तो ये n की वैल्यू है, इससे इसको गुणा कर देंगे भैया, इससे इसको गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 4m बराबर ये हो जाएगा, तो यहां पे हो गया 6n, 6n प्लस 5n यहां हुआ, इधर 6n माइनस 5n हुआ, जैसे यहां भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बराबर हो गया क्या, देखो वहां के बाद एकदम 4m प्लस 5n इसी को उतारा मैंने, बटे 4m माइनस 5n इसी को उतारा, और हमारे इसमें क्या है 4m और 5m क्या है, ये तो सॉरी 4m प्लस 5n, 6n प्लस 5n हो गया तो 11n, और 6n माइनस 5n हुआ n तो 11:1। तो देखा जाए, देखा अगर जाए तो अच्छा, यहां पर भी अगर हम इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, क्योंकि ये भी क्रॉस में ही वैल्यू को लेते हैं, तो कहीं ज्यादा सही होगा। आप चूंकि ब्लॉक के उस मेथड को नहीं जानते, इसके इसको थोड़ा सा हम उलट कर दिए। इसका कारण है कि आपके सोच में सिमिलैरिटी होना चाहिए, हम तो पूरा ब्लॉक्स के मेथड्स को नहीं करते ना, एक्चुअली ये एक मेथड है जिसके ऊपर मैं पूरा दूंगा, ये आता कहां से ये ब्लॉक मेथड और उसके कंसेप्ट क्या है, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि उसके ऊपर तो आप चिंतन मनन आप भी कर सकते हैं। तो वहां से मैं एक्चुअली डेविएट हो रहा हूं वहां से, क्योंकि यहां की जैसी स्थितियां हैं वहां भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, तभी आपके कंसेप्ट में जाएगा। तो अब क्या हुआ, 4m, ठीक है ना, हमारा 2m बराबर 3n है, अब देखो सीधा जा रहा है, हमको ऐसे पढ़ना पड़ रहा था वो गलत गड़बड़ा रहा था, तो 4m बराबर कितना होगा, 2m बराबर अगर 3 है, 4m बराबर 6n होगा, तो 6n प्लस 5n। तो ये बात वही थी एक्चुअली, ब्लॉक में ऐसे देखा जाता है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको नियम को घुमा दिया, क्योंकि ये देखने में हमें सुविधा होता है। तो चलिए अब आगे के वीडियो में चलते हैं। अब थोड़ा तो भैया क्या कहते हैं होता जाएगा। देखो अब देखो पहले का, अब देखो ये भी देखो सीजीएल का ही है, 2003 में ये अभी भी सीजीएल में आता है और सीपीओ तक आता है, जीडी लेवल में ये सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन दो बार आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्त, मैं इस चीज को, ये चीज को दिखाने के चाह रहा हूं कि लोग बड़े बने लड़के बड़े तरीके से सोचते हैं कि नहीं यार ये तो सीजीएल में आया था कभी नहीं आएगा। दोस्त जो सीजीएल में आपके 99 2000 एकदम स्टार्टिंग के पीरियड का मैं दे रहा हूं उस वक्त का था, वो अब वहां से सीजीएल से हटके सीपीओ और अदर्स में चले आए। अब देखिए a टू b इज इक्वल टू 2/9:1/3, b टू c इज इक्वल टू 2/7:5/4। इसको हम कैसे कर रहे हैं, देखो a टू b बराबर 2/9, फिर है बटे 1/3, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इससे इसको गुणा करते हैं, 3 × 6 9 = 9, तो a टू b बराबर 6:9, ठीक है ना। और जब ब्लॉक मेथड में क्या है कि हम सीधा उतारते हैं, ऐसे 9 गुणा कर दिया, 3 × 6 6 और 9 लिख देते हैं, यहां लेकिन करना पड़ता है। फिर 6 9 को क्या कहे, 3 से काटा, 3 × 6 3 3 9, ठीक है। अब फिर b टू c बोला 2/7:5/14, तो 14 को 2 से गुना किया 28,
सात को पांच से गुना किया 35। अब देखिए सात से कटता है 4 7 28, सात से काट रहे हैं 7 4 28, 7 5 35, तो 7 4 28 चार आ गया, 7 5 35 ये आ गया। हम यहीं तक आके रुक जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्यों ये फिर चेंज होता है वो हम बताएंगे। अब सी टू डी में क्या है, 10 को 3 से गुना करेंगे 30, 5 को 7 से गुना करेंगे 35। अब सीधी बात है ये दोनों 5 से कटेगा, तो 5 6 30, 5 7 35। अब देखो यहां पे 4 है यहां पे 3 है, हमने पहले बोला था ए इज टू बी 2:3 है, तो बी इज टू 3 भी, ये भी आपका 3 होना चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकता है, इसको घटाएंगे कैसे, तो अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या हो गया 4 3 12, इसको 4 से मैंने 3 को गुना कर दिया तो इना गुना करूंगा तो इधर भी गुना होगा, और 3 से हमने 4 को गुना कर दिया, ठीक है। तो यहां 4 से गुना करेंगे जब, ये 3 4 12 होगा, ये 4 3 12 होगा, ध्यान से देखना बंधु। लेकिन यहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि b अगर 4 से हमने गुना किया है, 3 से इसको गुना करेंगे 3 4 12, 3 5 15, ये 15 होगा। लेकिन देखो ये c तो बराबर होगा, ये 15 होगा तो इसे भी 15 होना चाहिए था ना, इसे भी 15 होना चाहिए था। अब ये 15 कैसे होगा, क्योंकि तभी देखो इसमें क्या है, a इज टू b है, तो b बराबर होगा c बराबर होना चाहिए, ये इसका तरीका है। तो साधारणतः हम इसको लास्ट से शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं ये देखते हैं कि ये अगर 30 है, ये अगर मैं 30 लेता हूं तो क्या इसे 30 बनाया जा सकता है, 5 को 30 बनाया जा सकता है। अगर मैं इसे 30 लेता हूं ये पहले हालत को, तो हम जानते हैं इसको 30 बनाया जा सकता है 6 से गुना करके। अगर इसे 6 से गुना करते हैं तो इसे भी गुना करना होगा, ये 24 हो जाएगा, ये 24 होगा तो इसे हम इस 3 को भी 24 बनाना है, तो 8 से गुना करना होगा, 8 से 2 गुना करेंगे तो 16। देखिए इसका नियम क्या है, देखिए b बराबर होना चाहिए c बराबर होना चाहिए, अगर 4 है a इज टू b इज टू c इज टू d, तो पहले हमने ऐसे ऐसे गुना करके लिख दिया, फिर क्या है कि b के बराबर होना चाहिए c के बराबर होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। तो शुरुआत कहां के एकदम नीचे से किया जाता है, तो पहले हम काट पीट के सब छोटा कर दिए, छोटा करने के बाद देखते हैं अगर ये 30 होता है, क्या कि ये 6 है ये 5 है, तो नेचुरली हम इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 5 से इसको गुना करेंगे तो 30 होगा, ये 7 से 35 होगा, तो 30 और 35 तो पहले ही था। अब है कि अब जब इसको हमने 5 से गुना किया इन दोनों को, इसको क्या कहें 6 से गुना करेंगे, तो 6 से गुना किए तो 30 हुआ, ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन 6 से नीचे वाले को गुना करेंगे तो ऊपर वाले को भी गुना करना होगा ना, तो ये 24 हो गया। अब नियम के हिसाब से ये अगर 24 है तो ये भी 24 होना होगा, इसको भी 24 होना होगा, ये अगर 24 है 3 था तो हमने किससे गुना करेंगे, तो 24 आएगा 8 से गुना करेंगे, तो सामने वाले ऊपर वाले को भी जो है 2 को भी 8 से गुना कर देना होगा, तो 16 हो जाएगा। कंसेप्ट यही लगता है ब्लॉक मेथड में, ब्लॉक मेथड दिखता है ये कुछ हजबज हजबज लगता है, बस इतनी सी बात होती है इसमें। देखो ए बी सी डी लिख दिया, यहां हम डायरेक्ट आते हैं, तो पहले अब तो देखो 6 9 जो यहां पे था लिखा पहले, फिर 28 35 लिखा, देखो यहां पे भी है ये लिख दिया, फिर 30 35 लिखा। अब हम जानते हैं c का ये देखो बराबर होगा, यहां पे तुम्हें देखना पड़ता था इतना कुछ करने के बाद, यहां सीधा सीधा आ जाते हैं। देखो यहां पे 30 है, तो पहले हमने काट के तो 5 और 7 बनाकर रखा था, लेकिन हम देखते हैं ये 30 है ये 5 है, तो इसको करने के लिए देखो लाल से 6 से गुना करेंगे 30 होगा ना, ये 30 है और मेरे को c बराबर होगा b बराबर होगा, c का 2 केस है b का 2 केस है, देखो देखो ये दिख रहा है ना, c का 2 केस है ये, b का 2 केस है ये, a इज टू b, b इज टू c, ठीक है ना, फिर c इज टू d। अब देखो ये 30 है, ठीक है,
तो इसके लिए हमने छह, ये पांच हुआ था, इसको हमने छह से गुना कर दिया 30, जब इसको भी छह से गुना किया तो ये चार, तो चार को भी छह से गुना कर दिया 24। अब ये अगर 24 हो गया तो बी को 24 होना है, बी 3 था तो बी को 8 से गुना कर दिया जे 24। अब जब इसको 8 से गुना किया तो ए जो था 2 था, 2 को भी 8 से गुना कर दिया 16। अब बोलोगे 6 बराबर 2, ये सर क्या है? ये ब्लॉक मेथड में 6 और 9 को अगर 3 से काटते हो तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। देखो यही 6 9 से 2:3 है। ब्लॉक में क्या है, 6 बराबर 2 लिख दिया जाता है, 9 बराबर 3 लिख दिया जाता है। ये क्यों होता है? देखो हर मैथ में अपने रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। जब ब्लॉक मेथड्स में ये सिस्टम्स आ जाते हैं तो ये नोटिफाई करता है, कहीं एरो सिंबल भी होता है, क्योंकि ये ब्लॉक मेथड जो है ये पूरा एक साइंस नहीं है, बल्कि बोलूंगा एक डिराइव्ड साइंस है, जिससे आपको सारी चीजें दिखती है। अब देखो इसके अंदर में एक डिफरेंस आपको सीधा सीधा दिखता है कि यहां जब गलतियां होती है ढूंढ के निकालना मुश्किल होता है, यहां गलतियां होती है चूंकि ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ये दिखता है, तब दोनों मेथड है, चॉइस इज योर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला जाता है ये भी देखो सीजेल, ये तो दो बार आ गया, 2005 में आ गया था और 2002 में भी आया था। देखो मजे की बात, देखो सेकेंड टायर में, ठीक है ना, चलो एक बात को क्या बार बार बोलू मैं, देखो ए इज टू बी 1:1/2:3/8, बी इज टू सी 1:3:5/9, ये तो सेम क्वेश्चन है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है और मैंने जानबूझ के रिपीट किया है। देखो क्या करेंगे, 8 को इससे गुना करेंगे एज टू बी को, और इससे करेंगे 8:6 होगा, देखो एज टू बी बराबर 8:6, अब बी टू सी बराबर क्या होगा 9:35 होगा, सॉरी 9:15 होगा, तो 9:15 हो गया। सी टू डी 20:18 होगा, 20:18 होगा। अब देखो बी क्या है, यहां 6 है, यहां बी 9 है, नहीं चलेगा, लेकिन उसके पहले हमें सी की भी देखना होगा, तो सी यहां 15 है, यहां 20 है, नहीं चलेगा, पहले हम छोटा कर लेते 8:6, ये हम और भी ज्यादा छोटा कर सकते थे, यहां नहीं किया गया है, इसे हम 2 से काट देते, 4:3 होता है जहां ब्लॉक में किया गया है इसको। अब देखो ये 3:5 है, ठीक है ना, 3:5 है, यहां 6 है, तो यहां हमने इसको 3 से काटा तो 3 9 3 5 15, ठीक है ना, ये 6:10। अब ये बैलेंसिंग को तो पहले हमें देखना है ना, ये 20:18 है तो 2 से काटेंगे तो 10 9 2 18। अब पहले क्या करते हैं यार, हम बैलेंस करते हैं सी को सी, ये 10 है, 10:9 है, तो मतलब 3:5 है, तो इसको क्या होगा, इसको 2 से गुना करेंगे, 5 2 10 होगा, ये 3 2 6 होगा, देखो हो गया। अब जब ये तुम्हारा 6 हो गया, अब बी यहां पे भी बी होना होगा, तो ये 6 8 होना होगा, ऑलरेडी है तो ये बैठ गया, तो ये बन गया। यहां भी क्या ए बी सी डी लिख दिया, ए बराबर 8 है, वहां तो सीधा लिया 8 है, और यहां पे 6, तो यहां 2 से काटते हैं तो क्या 4 2 8 3 2 6, ये तो लाल बाद में आता है। फिर बी टू सी क्या है, बी हम देखते हैं यहां 9 है और 3 5 15, 9 है 15 है, तो हम 3 से काटते हैं, 3 3 9 3 5 15, ये लिखते हैं, ये तो बाद में होता है। फिर हम देखते हैं 4 5 20 7 3 6 18, ये 20 और 18, तो इसको 2 से काटा 10 और 9। अब देखो ये 10 है, यहां 5 है, तो हमें क्या करना होगा, इसे 2 से गुना कर देना होगा, इसे गुना करेंगे तो इसे भी गुना करना होगा, ठीक है ना, इस तो ये 3 को 2 से गुना किया 6। अब जैसे ही ये 6 हो गया, इसको भी 6 बनना, ये तो 3 था, ठीक है ना, इसको भी 2 से गुना कर दिया 6, जैसे ही इसे 2 से 6 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करना होगा, 8 हो गया, तो क्या हो गया 8:6:10:9, 8:6:10:9, ये इसका A:B:C:D जो पूछा गया है वही हुआ। चॉइस इज योर्स, दोनों टाइप हैं। अब चलिए को थोड़ा सा बोलूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे पहले भी वीडियो देख रहे हैं एक दो दिन से, तो मैं एक दो दिन से ये बताने का शुरू किया हूं,
और बोलता हूँ कि 10-12 दिन के बाद मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर मैं आपसे क्लास करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो फिर मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, देखो भाई मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, बहुत क्लास लिया कॉलेज लाइफ, मतलब शुरू अगर कहूँ तो कॉलेज के कैरियर से लेते हुए जहाँ भी मौका मिला लिया, लेकिन अब नहीं मन करता है, वक्त नहीं होता, उतना एनर्जी भी नहीं है मेरे पास। तो देखो एक मैंने संपूर्ण गणित को बनाया है और इसमें मेरी एक इच्छा है। इच्छा क्या है कि लोग जब बोलते हैं कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं, तो मेरे को खुद की याद आ जाती है। तो मेरी इसके संपूर्ण कोशिश रहा, एक वीडियो को बनाने में बहुत सारे एक्सपेंस होते हुए भी, ये सही में सबसे कम दाम में सबको अवेलेबल हो। और एक ऐसी मैं कलेक्शंस ऑफ मैथ्स को बनाऊं जो पटवारी के लिए भी काम है, पुलिस के लिए भी काम है, एसएससी जीडी जो देने वाले उनके लिए भी काम है, जो सीएचएसएल देने वाले उनके लिए भी काम है, सीपीओ जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी है, सीजीएल देने जा रहे हैं उनके भी है, रेलवे का ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों के लिए काम में है, जो एसबीआई क्लर्क पीओ दे रहे हैं उनके भी काम में है, आईबीपीएस दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, यूं कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए काम है। हाँ यूपीएससी में बोलता हूँ क्या, इसमें लॉग का जो पोर्शन है वो इसमें नहीं है और सारे कुछ सारे हैं, तो नेचुरली अगर वहां पे वो जोड़ा नहीं गया, नहीं तो सब कुछ है। और ये बेसिक से सब कुछ है, बेसिक का मैंने एकदम अलग पार्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ देखो मैं हर दिन इस तरह के नए नए मैथ दे रहा हूं, मतलब इसमें क्या है कि पुराने मैथ भी आते हैं, नए ट्रेंड के भी मैथ आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज से 3 महीने के बाद अगर कोई एग्जाम होता है वहां पे जो नए क्वेश्चन आपको पूछे गए वो मैंने मुझे अंदाजा हो जाए पहले, मैं अपनी संपूर्ण गणित में डालू, ऐसा नहीं है दोस्त। हर कोई अपडेट करता है, हर लेखक अपडेट करता है, तो मेरे को भी अपडेट करना पड़ता है। लेकिन एक गूगल क्लासरूम मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप जैसे ही इसे परचेज करते हैं तुरंत आप गूगल क्लासरूम के मेंबर बन जाते हैं और वहां पे 1 ईयर के लिए फ्री अपडेट क्लास होता है। तो कोई भी मैथ्स नए इस हिंदुस्तान में पदार्पण किया है होगा किसी भी एग्जाम में, तो 1 महीने तक के अंदर में उसे मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूं और उसकी वीडियो हो सकता है कि मैं इसको इसमें यूट्यूब में मैं नहीं देता हूं, तो भी वो वीडियो आपके गूगल क्लासरूम में तो जरूर पोस्ट हो जाता है। तो बच्चे जो बच्चे मेरे से संपूर्ण गणित लेते हैं 360 रुपये में, वो 1 साल के लिए आप समझिए कि उसमें भी अगर ये संपूर्ण गणित को देखें, ये चैप्टर वाइज है और सारे चैप्टर्स को मिला के करीब करीब 299 वीडियो हैं और 1500 के ऊपर मैथ है उसी में, और इसकी साइज जो है 10 GB है और इसका प्राइस मैंने 360 रखा हुआ है ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए। मतलब ये ऑनलाइन डाउनलोड क्या है, ऑनलाइन डाउनलोड का सिंपल मीनिंग यही होता है कि आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट आप करने के लिंक आप पहले आप लिंक मांगते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पेमेंट लिंक मांगते हैं, उसमें मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं, सीधा व्हाट्सएप करते हैं, मैं पेमेंट लिंक भेजता हूं जिसमें आप नेट बैंकिंग ATM डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया में पेटीएम जितने भी सुविधा है सारी सुविधाओं से आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे पेमेंट हो जाता है मैं क्या करता हूं, आपकी ईमेल आईडी पे इसके लिंक दे देता हूं, आप डाउनलोड कर देते हैं। टोटल फाइल कितने हैं, ये चैप्टर वाइज ही वहां पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, 10 GB का है। तो अब 360 रुपये में प्लस आप 1 साल फ्री अपडेट क्लास, ये आज के दुनिया में कमर्शियल बाजार में कल्पना करना भी मुश्किल होता है, बहुत छोटे सीधे शब्दों में बोलता हूं। लेकिन एक जगह मैं फंस गया हूं, हमारे देश में जितने भी बोले हर जगह नेट का स्पीड एक नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के वास के सब ने आपका जियो ले लिया, क्या कि जियो में की है 1 GB मिलता है, अब दूसरी इस्तेमाल नहीं करते तो 10 GB से आप 360 रुपये के मटेरियल को ऐसे डाउनलोड करते हैं, 1 पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप के पास जियो नहीं है या नेट स्पीड नहीं है तो फिर आप किसी भी दूसरे का अगर 10 GB का खर्चा होता है तो मिनिमम 40 रुपये करके, तो मतलब
ये 360 के साथ 400 रुपया और जुड़ जाता है, जो हकीकत है। तो जिसके लिए मैंने डीवीडी आया, डीवीडी है इसमें क्या, 360 के साथ देखिए आपका 520 है, 160 रुपया जुड़ा हुआ है। ये 160 रुपये में तीन चीजें आते हैं, तीन डीवीडी होते हैं, तीन डीवीडी के खर्चे हैं जो अपने आप में 75 रुपये हो जाता है, फिर पोस्टिंग है, फिर स्पीड पोस्ट है। क्योंकि मैं एकदम सिंपल स्ट्रेट कट है, एक ही भावना के साथ है कि आपको सही चीज मिले, और वो जो शब्द है जिसके दर्द को मैं जानता हूं, बस वो शब्द इसे लेने के लिए किसी के आड़े नहीं आए। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। अब एक सवाल है, ए इज टू बी बराबर सी इज टू डी बराबर ई इज टू एफ बराबर 1:2 हो तो क्या होगा। देखिए यहां पे एक कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल लगता है, जिसे हम बड़े दूसरे तरीके से बताएंगे। देखो दोस्तों, वन ए इज टू बी अगर 1:2 है, ठीक है ना, देखो यहां पे 3a है 3b है, तो 3a इज टू 3b क्या होगा। देखो a को भी 3 से गुना कर दिया, b को भी 3 से गुना कर दिया, तो 3a इज टू 3b हो गया। लेकिन यहां अगर 3 से गुना करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3/6 क्या होगा, फिर 3 से काट दोगे तो 1:2 होगा। मतलब ये 3a:3b बराबर 1:2 ही रहेगा। उसी तरह देखो 5c:5d, 5c है, ठीक है ना, यहां तो मांगा ना ऊपर को देखते, तो 5c:5d ये भी 1:2 होगा, समझ गए ना। c:d अगर 1/2 है, ऊपर नीचे 5 से गुना कर देना, यहां क्या फर्क पड़ता है, क्या कि ये तो कट भी जाएगा ना, तो खाली हम दिखाने के लिए होता है 5c:5d = 1:2। अब e:f है, अब देखो यहां 7 ही है, तो ऊपर नीचे सबको 7 से गुना कर देते हैं, तो 7e:7f बराबर क्या होगा, ये 1:2 ही होगा। क्या है कि इसको अगर 7 से गुना करोगे, इसको भी 7 से गुना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर क्या बोलोगे सर, 7 और 14 तो आपस में काट जाता है, फिर काट दोगे तो फिर 1:2 हो जाएगा। तो 7:2/7f बराबर ये भी 1:2 है। अब देखो मुंडी जोड़ो, पैर एक साथ, मुंडी एक साथ साइज करके रखो, पैर एक साथ साइज करके रखो। मुंडी क्या है भैया, देखो यहां पे दिया हुआ था 3a+5c+7e, ये सब मुंडी में है। देखो यहां पे तो हमारा क्या है, देखो ऊपर में यहां 3a है, देखो यहां 5c है, यहां 7e है, सब ऊपर में है ना, तो हमने, हमें तो यही आया है ना, तो मैंने 3a+5c+7e बटे, अब देखो पैर, ये 3b पैर है, ये 5d पैर है, ये 7 पैर है, तो सारे मुंडी को जोड़ोगे। अगर मतलब एक चीज समझ लो, अगर इस तरह इस रेशियो का मान क्या है, 3a:3b 1:2 है, ये 5c:5d इसका मान क्या है, 1:2 है, 7e:7f बराबर इसका भी मान क्या है, 1:2 है। ये सारे क्या है, ऊपर क्या है, ये क्या है, 2 करके नीचे है सर, है ना, तो इन इसको तीनों को जोड़ोगे तो यही ऊपर वाला मान आएगा। अब बटे करके जब इसको रख लिखोगे तो फिर यही रेशियो आएगा। इसके लिए देखो 3a 5c 7e, ये देखो बटे आ गया, 2 के बाद बटे, 3b 5d और 7f, मान बराबर क्या हुआ, एक ही रेशियो है ना, 1:2 1:2 1:2। अब देखिए ब्लॉक मेथड में कैसे करते, a:b हम देखते हैं 3 से गुना करेंगे, 3a/3b हो जाएगा, c:d है तो इसको 5 से गुना करेंगे, 5c:5d हो जाएगा, e:f है इसे अगर गुना करेंगे 7 से, 7e:7f हो जाएगा, मुंडी सारा जो अब बराबर क्या, 1/2 तो लिखा ही हुआ है। अब सारे के मुंडी जोड़ते हैं, देखो 3a+5c+7e बटे क्या होगा, ये सारे पैर को जोड़ते हैं, 3b+5d+7f बराबर रेशियो वही होगा जो पहले का था। तो देखो ये भी वही है, ये भी वही है, बस ये दिखता है, इसीलिए जब से ये मैंने स्टार्ट किया है ये ज्यादा दिखता है। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोले सर आपका ब्लॉक कहां गया पूछोगे, क्योंकि इतना आसान है ना,
ब्लॉक की जरूरत नहीं होती है। कभी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कसम खाया है कि जो एकदम आसान है जिसमें दो विधि की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे ब्लॉक थोड़ा सा भारी भी हो जाता है वहां भी जबरदस्ती उसको करो, नहीं दोस्त ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो मेरी कोई दिल की इच्छा नहीं है। मैं ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना करता हूँ। मैं अब अगर दोनों में रेगुलर मेथड है ब्लॉक मेथड तभी दूंगा जब ब्लॉक मेथड रेगुलर मेथड से आसान होगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्या तो रेगुलर मेथड ही ठीक है, खाली ब्लॉक मेथड सीख लिया इसलिए जो रेगुलर मेथड से अगर वो टफ हो जाता है तो ब्लॉक मेथड को कभी एक्सेप्ट मत करो, रेगुलर मेथड ही सही है। अब देखो ए इज टू बी बराबर सी इज टू डी है, ठीक है ना? तो ये देखो अभी हमने किया तो ए प्लस सी बटे बी प्लस डी भी किसी एक रेशियो के बराबर होगा, अभी हमने करके आया ना। तो मतलब देखो ए प्लस सी बटे बी प्लस डी ये ए बाई बी के बराबर भी होगा, सी बाई डी के बराबर भी होगा। तो अब क्या बोला है, एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी किसके बराबर होगा? तो हम एक सोचते हैं कि ये किसके बराबर निम्नलिखित में से सॉरी किसके बराबर नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं किसके बराबर नहीं होगा, तो इसके लिए देखो हमने क्या किया है, m पहले हमारा एम ए प्लस एन सी एम बी माइनस एन डी लेना है, हमने a बाई बी को ले लिया बराबर c बाई डी ले लिया। अब देखो ऊपर नीचे m m से गुना किया, यहां n n से गुना किया, ठीक है ना? इधर m से गुना करूंगा इधर m से गुना करूंगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, या ये कट जाएगा ना। इसे n से गुना किया इसे n से गुना किया, क्यों? हम जानते हैं अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का योगफल भी इसके बराबर होगा। तो एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी ये क्या होगा, एम ए बाई एम बी के बराबर होगा, एन सी बाई एन डी के बराबर होगा, मतलब ए बाई बी के बराबर होगा, सी बाई डी के बराबर होगा, प्लस ए प्लस सी बाई बी प्लस डी ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इसके भी बराबर होगा। लेकिन किसके बराबर नहीं होगा, कभी भी ये c माइनस ए और b माइनस डी ये नहीं होगा। आप समझ गए ना? तो ये अगर बोलो तो अभी भी सीजीएल में आते हैं, ये सीपीओ तक सही है, जीडी में ये बहुत कम आते हैं, कम आते हैं क्या, शायद आए ही नहीं है। तो भी मैंने एक रखा इस सवाल को, तो ये क्लियर हो गया। इसमें क्या है, a बाई बी बराबर सी बाई डी होगा, तो ये हम जोड़ देंगे, ये भी हम जोड़ देंगे, a प्लस सी बाई बी प्लस डी भी इसके या इसके बराबर होगा। ये तो हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो नियम बोलता है। तो हमने इसको लिखा, फिर a बाई बी को हमारा क्या है, m a m b देख लिया मैंने, तो m m से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, n c n d था यहाँ n c n d कर दिया। हम जानते हैं इसका जोड़ एम ए प्लस एन सी ये बराबर होगा बटे एम बी प्लस एन डी होगा, ये रूल क्या है, कंपोनेंडो है डिविडेंडो है। अब देखते हैं ये इसको पाने के लिए ए बाई बी से ये पहुंचेगा ही, ये सी बाई डी से पहुंचे काट देंगे तो खत्म हो जाएगा ना, और ए प्लस सी बी प्लस डी ये जो है ये भी, क्योंकि ये इसके भी बराबर है ना, तो ए बाई बी सी बाई डी बराबर ए प्लस सी बी प्लस डी ये भी पहुंचेगा, ये कभी नहीं पहुंचेगा। तो देखो मैंने एक सवाल को तीन बार रिपीट करते हैं तभी आपको जिसको भी होता है ना पूरा पूरा समझ में आता है। लोग बोलते हैं कि सर आप ज्यादा टाइम लेते हो, दोस्त मैं एक ऐसे जगह पे बैठा हूं, मैं किसी को आप लोगों में से नहीं देखता हूं, आप में से कोई बहुत ही स्मार्ट हैं, बड़ी तेजी के साथ चीजों को पकड़ लेते हैं। मैं जानता हूं उनको बोर लगता है कि सर एक बार में तो समझ गया, दो बार क्यों चिल्ला रहे हैं, लेकिन दोस्त मैं एक ऐसे जगह पे बैठा हूं मैं किसी का चेहरा नहीं देख रहा हूं, तो मैं दो बार तीन बार इसलिए बोलता हूं कि मेरे कोई साथी छूट नहीं जाए, सबको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू इज टू थ्री इज टू फोर हो तथा 2a माइनस थ्री बी प्लस फोर सी 33 हो तो c का मान क्या होगा? अब देखो a इज टू बी इज टू सी टू इज टू थ्री इज टू फोर है,
और यहाँ एक अलग मान दिया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं, या देखो ए है तो टू है, बी है तो थ्री है, सी ही है तो फोर है। अब देखो ए है तो यहाँ टू है, यहाँ टू ए हो गया, बी है तो यहाँ थ्री है तो यहाँ थ्री बी हो गया, सी है तो यहाँ फोर है तो यहाँ फोर सी हो गया। अब देखो यहां बोलता है ए इज टू बी इज टू सी बराबर टू इज टू थ्री इज टू फोर, तो मतलब क्या, ए बाई टू, ए बाई टू बराबर, ठीक है ना, बी बाई थ्री, बी बाई थ्री बराबर सी बाई फोर, ये बराबर हमने के मान लिया, ये हमने माना, यहां तक तो दिया हुआ है, ये हमने मान लिया। तो a बराबर टू के, b बराबर थ्री के, c बराबर फोर के। अब देखो 2a माइनस थ्री बी प्लस फोर सी, इसका मान निकालना है। अब 2a बराबर, a बराबर टू के, तो 2a बराबर होगा 4k। अब देखो b बराबर 3k है और यहां माइनस थ्री बी है, तो मतलब माइनस थ्री गुना ये b का मान 3k प्लस 4c, तो 4 और c बराबर 4k, तो ये बराबर 33 कहां से आया, ये तो दिया हुआ है 33। अगर हम जोड़ते हैं इसको 4k माइनस 9k प्लस 16k, 4k दो दूनी 4k माइनस 9k प्लस 16k बराबर होगा 11k। तो k का मान क्या होगा, 33 बटे 11 बराबर 3। अब c का मान हमसे पूछा है, अब c का मान क्या है, c का मान देखो 4k है, k बराबर अभी 3 आ गया है, तो 4 गुना 3 बराबर 12। देखो यही जब ब्लॉक मेथड्स में करते हैं तो फिर हम पहले एक को समझने के लिए लिखते हैं a बराबर 2k, a बराबर 2k हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब सीधा हम यहां आ जाते हैं, 2a बराबर क्या होगा, 4k हो जाएगा। अब माइनस थ्री बी, माइनस थ्री बी तो हम जानते हैं 3 है, ये 3 है और 3 9 माइनस, तो माइनस थ्री बी बराबर माइनस 9 और k लगाएंगे। अब बोला हुआ है क्या, देखो 4c, 4c, c का क्या है 4, तो 16k हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी यहां पे 16k हो गया, तो फिर 4c बराबर 16k। तो हम सब k को देखो यहां पे लिखे हुए हैं, तो 4k माइनस 9k प्लस 16k बराबर 11k बराबर 33, k बराबर 3। अब c बराबर क्या था, c बराबर था हमारा 4k, तो k तो ये है 3 है और 4 है, 4 से गुणा किया तो 12 हो गया, तो c बराबर हो गया 4k बराबर 12 आंसर। ये थोड़ा सा आपको, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा ये होगा, लेकिन इस पैटर्न को हल्का एक दो बार करेंगे तो दिमाग में आ जाता है। यहां क्या कि वैल्यू को हम डायरेक्ट यहीं से लेके यहां बैठाते हैं, ये 2a कहां से 4a आया था, हमने क्या 2a था ना, दो तो था, a का मान दो तो 4 और सामने k लिख देते हैं। अब देखो माइनस 3 है, तो माइनस 3 और ये 3 है, ठीक है ना, तो 3 3 9 माइनस 9 k। फिर देखो 4 है, ये 4 है, 4 चेक 16k। अब देखो 16 4 20, 20 में से 9 गया 11, 11k, 11k बराबर ये क्या दिया हुआ है 33, तो k बराबर क्या होगा 33, 11 33 को 11 से भागा देंगे 3। अब c बराबर क्या बोला हुआ है, देखो c हमारा c बराबर क्या है 4k है, c बराबर 4k ऐसे ही कर रहे ना, a बराबर 2k, ठीक है ना, c बराबर 4k, k का मान क्या है 3 है, 4 3 12। अब हम आगे की क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। देखो ये भी, ये तो हाल ही में है, लेकिन अब ये पैटर्न जो ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि खाली आपके स्मार्टनेस को देखा जाता है, ये कोई मैथ तो है ही नहीं है। बोला कौन सा में सही है, 12:9, चलो काटते हैं ना, 3 चौके 12, 3 3 9, 4:3 इसको भी काटते हैं, 4 से है, 4 3 12, ये 4 चौके 16 और 4 3 12, ये भी 4:3 है, ये भी 4:3, यही तो सही दर्शाता है, दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
तो देखो यहां पे कोई मेथड ही नहीं लगा, हमने सिंपली ऑप्शन से किया, ना आपका कोई रेगुलर मेथड में गए ना ब्लॉक मेथड में गए। क्यों? क्योंकि इतना तो स्मार्टनेस होना ही चाहिए। मैं आपको रेगुलर मेथड सिखाने का ठेका नहीं लिया है, मैंने आपको ब्लॉक मेथड भी सिखाने का ठेका नहीं लिया है, मैंने आपको ये लिया है कि कौन सी मेथड स्मार्टली आसानी से करके निकल जा सकते हैं। ये तो मुझबानी बनता है, तो कागज कलम क्यों इस्तेमाल करूं, क्यों रेगुलर मेथड में जाऊं, क्यों ब्लॉक मेथड में जाऊं, कुछ नहीं करने का है। हमें तो सिंपली देखना है कि ये बराबर ये था, 13/11 5/4 का भी हो ही नहीं सकता है, ये देखो 13 है 24 कभी कटेगा नहीं, 30 और 45 आपस में कटता है ये भी नहीं हो सकता है, 3/5 कभी 2/5 हो ही नहीं सकता है, तो ये तीन तो ऐसे भी नहीं हो सकते हैं। अब 12:9 तीन से काटा, 3 चौके 12 और 3 9 देखो 4:3 आ गया। इधर भी देखते हैं 4 से काटते हैं, 4 चौके 16 4 3 12 4:3 ये बराबर ये है, मतलब ये बराबर ये, यही तो सही अनुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है, उनकी छोटी पूर्णांक क्या है, तो बोला क्या x/y = 9/7 xy तथा गुणनफल संख्या क्या है, x और y है 1575 है, तो हमने बोल दिया क्या छोटी संख्या जो है 35 है। सपना आया है क्या मेरे को? नहीं दोस्त। हम क्या करते हैं 1575 की देखो लसा निकालते हैं, 5 से किया 315, फिर 5 से किया 63, 7 से ये किया 9, तो देखो इसमें से कोई दो संख्या को अगर हम लेके कोई भी संख्या को लेके हम गुणा करेंगे तो हर वक्त 1575 होगा, मतलब 50-25 को अगर 63 से गुना करेंगे, 25 से 63 से गुना करेंगे 1575 ही होगा, अब 25 + 7 = 175 को 9 से गुना करेंगे तो भी आपका 1575 होगा। लेकिन मेरे इस दो संख्या को ऐसे में आपको बांटना है, ठीक है ना, कि उनको वो संख्या को अगर हम बटे में लिखें जैसे x और y में तो 9:7 है, तो नेचुरली हम जानते हैं कि 35 और 45 मतलब 5 + 7 = 35 और 5 + 9 = 45 इसे गुणा करेंगे तो 1575 आएगा, लेकिन 35 / 45 लिखेंगे तो 9/7 आएगा, यही सोचना पड़ता है। तो इसमें छोटी संख्या क्या है, 35 है। यह है देखिए, इसे ब्लॉक कहीं आसान है क्योंकि इसमें हमको बहुत लसा निकाल के बड़ी सोचना पड़ता है। अब हम देखो 1575 है और 9 है और 7 है, जब हम 1575 को 9 से भागा देते हैं तो 175 आता है, इसको लिखते हैं, ये 9:7 का ये अनुपात का हमने लिखा है यहां पे। 7 से अगर भागा देते हैं 1575 को तो 225 आता है, ये हो गया। अब देखो उसको फिर से 5 से भागा देते हैं क्योंकि 175 है 225 है लास्ट में 5 है, तो चीख चीख के बोलता है कि 5 से जाएगा तो 35 और 45 आया। फिर हम इसे 5 से भागा देते हैं तो 7:9 आया, तो हमें पता चल गया देखो यही तो 9:7 था, यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। अब संख्या को अगर हम 9:7 अगर करना है तो फिर हमें क्या लेना होगा, 35/45 लेना होगा, क्योंकि उसी से हम 9/7 पहुंचेंगे और 35 और 45 को गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है हमें 1575 में गुणा पहुंचेंगे। तो फिर देखो यहां से ये जो कंसेप्ट यहां पे एलसीएम करना पड़ा, ये सब करना पड़ा, बड़ी स्वाभाविक तरीके से यहां पे हम पहुंच गए, ठीक है। और इसको तो आप शायद जानते ही हैं इसकी विधि को, चलिए इसके बारे में हम बाद में एक बार बात कर लेंगे। इसमें वैदिक से अनुतेजी के साथ जो गुणा किया जाता है वो कैसे होता है, वैदिक से सारा गुणा किया जाता है तो जैसे 5 + 25 = 5 हम मान लिए, हाथ में रहा 2 और इसमें एक संख्या बढ़ा दिया तो 5 + 5 = 15 और 2 हो गया 17, तो ये 35 और 45 का गुणा है। तो 7:9 हुआ, तो मतलब है कि हमें 9:7 या 7:9 मतलब यही प्रतिशत के लिए हमारा यही संख्या होगा जिसमें से 35 आपके सबसे छोटा संख्या है। तो इस तरह ये हमारा हो गया। फिर से हम देख लेते हैं
1575 में करना था, 9:7 था, 9 से भी भागा देते हैं, 7 से भी भागा देते हैं, 175 और 225 है आता है। अब इसे हम काटने की कोशिश करते हैं तो वैसी संख्या लेते हैं जो दोनों को काट सकता है, तो देखते इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो हम काटते हैं 3545। आगे भी थोड़ा माजरा देखने के लिए जाते हैं, 5 से काटते हैं तो 7:9 हमें आ जाता है कि हम पहुंच चुके हैं 7:9 या 9:7 जो भी है। तो फिर ऊपर का संख्या होता है 35:45 होगा। अब 35:45 अगर होगा तो ये हम समझ गए यही सवाल है, क्योंकि यही जब नीचे उतरेंगे जो चूंकि इसके साथ x जुड़ा हुआ है तो हम यहां पहुंचेंगे, तो मतलब संख्या ये है, बस यही से आंसर हो गया। छोटी संख्या पूछा था तो 35 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आशा करता हूं देखो ये दोनों जो है मैंने जो बोला आपको ये दोनों ही क्लियर कट है, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स दोगे, बड़ा सिंपल है ये। आगे की हम चलते हैं। अब बोलते हैं दो संख्याओं का जोग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा? यार देखो इसमें भी मैंने ब्लॉक नहीं किया है, क्यों, जब दो संख्याओं का जोग और अंतर बोले ना तो इन दोनों को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, ठीक है। देखो कैसे होता है, देखो x प्लस वाई दो संख्या का जोग 40 है, x माइनस वाई 4 है। अब अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, 2x होगा, वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर 44 तो x बराबर 22। तो हमने क्या बोला, अगर एक 22 होगा तो दूसरा संख्या 18 होगा, क्यों, दोनों का जोग 40 है। लेकिन हमने क्या बोला था, देखो 40 है 4 है, दोनों को जोड़ दो तो 44 हुआ, 44 का आधा कर दो 22 है, देखो यही x बराबर 22 है ना, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां लैंड कर गए। तो एक संख्या 22 होगा, 40 से 22 घटाओगे तो दूसरा संख्या 18 होगा। अब x इस टू वाई का अनुपात तो यहां आपको लिखना होगा 22/18 होगा, 2 से घटेगा 11/9, 11:9 आंसर। तो देखो सही में ये तो समझाने के लिए लिखा गया, यहां तक तो लिखना नहीं है, x 22 y 18 x y y, तो यार यहां चार संख्या लिखने के लिए यहां ब्लॉक में टेप टेप करके क्यों दिमाग को कर, सिंपल सा जो है ज्यादा तो करना नहीं है, चार या पांच शब्द लिखना है तो उसके लिए फिर ब्लॉक मेथड देखोगे, समझ रहे हो ना। तो मैं रेगुलर से ब्लॉक की वहीं पे आपसे गुजारिश करूंगा, जो सही में थोड़ा सा तो वक्त का कमो बेश जरूरत करता है, जहां ऑलमोस्ट सेम है तो ठीक है यार, रेगुलर मेथड इतना दिन से पढ़ते हैं क्यों मैं टर्न हूं, सिंपल सी बात है। अब आते हैं दो संख्या का अनुपात जो है 2:3 है, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है उसमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, संख्या का ये क्या है। अब देखो यहां पे क्या है, पहले हम एक चीज देखें, संख्याओं का जोग 2:3 है, 2:3 है या संख्या का जोग है, जरा ध्यान देना दोस्त, 2:3 है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, कुल भाग 5 है, क्यों मैं भाग लेके काम कर रहा हूं, ये संख्याओं का योग है, ये 1:2 का अनुपात हो जाता है, संख्याओं का योग होगा, योग पूछा है, एडिशन पूछा है, तो एडिशन जब पूछा जाता है तो इन दोनों अनुपात को जोड़ा जाता है, स्मार्ट वे 2:3 बराबर कुल भाग हो गया 5 भाग। अब हम चारों ऑप्शन से देखेंगे, तो पहले ऑप्शन में दिए 30 को हमने 5 से भागा दिया तो कितना हुआ 6। अब देखो एक भाग बराबर 6 है क्योंकि 5 से दिया है, अब दो भाग क्या होगा 12 होगा, तीन भाग क्या होगा 18 होगा, अब 12 में से 2 घटाते हैं तो क्या होता है 10 होता है, 18 में 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है 20 होता है, तो 1/2 उत्तर हो गया। तो कहानी भाग से शुरू होता है, इसी को अगर हम ब्लॉक में करते हैं तो हम चूंकि यहां संख्याओं का योग देख लिए तो हम भी समझ गए कि ब्लॉक में भैया 2:3 = 5 लिख देना है, और हम 5 जैसे लिखते हैं, संख्याओं का योग जैसे बोलते हैं, हमको ये बात समझ में आता है चार ठो में केवल जो 2 और 3 कितना 5 होगा, इसमें से वही लेना है जो 5 से कटता है, 28 कभी 5 से नहीं कटता है, 24 कभी नहीं कटता है, 30 और 10 को लेना है, हमने सीधा 30 और 10 को ले लिया, ठीक है। अब हम 2 और 3 क्या जोड़े हैं 5, 5 से 30 को भागा दिया 6, 5 को 10 से भागा दिया 2 हो गया। अगर ये जब हम 6 से भागा ये 5 से 30 को भागा दिए 6
अब क्या करते हैं, देखो 6 से 2 को गुना किए 12, 6 से 3 को गुना किए 18, ठीक है ना। और यहां पे क्या किया, 2 से 3 को, 2 से 2 को गुना किया 4, 2 से 3 को गया 6। फिर से बोलते हैं 2:3 5 हो गया। हम ऑप्शन से वही लेते हैं जो 5 से भागा जाता है, 30 5 से भागा जाता है, 10 5 से भागा जाता है, बाद भाई को छोड़ देते हैं। 30 लिया, अब 5 से भागा देते हैं, 5 6 30, 5 2 10। अब इस 6 से इसको गुणा करते हैं, 6 2 12, 3 6 18, इससे गुणा करते हैं, 2 2 4, 3 2 6। अब देखो क्या बोला है, यदि पहली संख्या में मतलब ऊपर में 2 घटाया जाए, माइनस 2 कर दिया, 2 घटाया जाए ना, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब दूसरी मतलब क्या होगा, 2:3 तो 2+2 तो 1/2 का अनुपात होगा। चलो अब 12 में हम माइनस 2 किया तो 10 हो गया, 18 में 2 जरा तो 20, अब देखो सुनना सुनना कर देंगे तो ये तो 1:2 हो गया। अब इसमें माइनस 2 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें प्लस 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2:8 मतलब 1:4, तो ये होगा नहीं, यही आंसर होगा। भैया ध्यान से देखना, ये ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं आता है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जो इसमें नहीं आता है, बहुत ही सहज सरल में आता है। ये मैंने कंडक्टर लेवल के क्वेश्चन में भी आता हुआ देखा है, ये सारे लेवल में चलता है, और इसकी जो कहानी दूसरे बुक्स में देखेंगे बड़ी लंबी चौड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है, यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो यह धन उसके पास 1:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था, देखो यार उसमें योग की बात बोला था, यह पहले कितना धन था, उसमें अनुपात का योग बोला था तो इसके लिए हमने अनुपात को जोड़ा था, यहां नहीं जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे करते हैं, यहां सीधा हम यहां पे ऑप्शन से खेला जाता है। यहां बोला क्या ए बाई बी, तो 12/6 कर दिया। अब बोलता है कि ए बी को 2 रुपया देता है, मतलब ए दे 2 रुपया अपने जेब से निकाल के बी को दे दिया, तो 12-2 6+2 10/8 हो गया। अब यहां दूसरा 16-8 लेते हैं, तो 2 रुपया 16 रुपए वाले ने 2 रुपया 8 रुपए वाले को दे दिया, 16 से 2 चला गया, 8 में 2 जोड़ गया, 14/10। फिर हम लेते हैं 8 और 4 रुपए में, तो ए और बी है, 8 रुपए वाले ने अपने जेब से 2 रुपए निकाल के 4 रुपए वाले को 2 रुपया दे दिया, 6-6 हो गया, 1:1 हो गया। यहां क्या करते हैं, यहां भी सेम वही करते हैं, 2:1 लिखते हैं और यहां अनुपात जो दिया गया उसे लिखते हैं। अब देखते हैं कहां पे ये होता है, और क्या था, वो 2 रुपया देता है तो माइनस 2 अपने नीचे वाले को, प्लस 2। अब हम पहले को लेते हैं, 12 और 16 को लेते हैं, 12 में से 2 घटाया 10, 6 में से 2 जोड़ा 8, 1-1 नहीं हुआ। दूसरा लेते हैं, 16 में से 2 घटाया 14, 8 में 2 जोड़ा 10 नहीं हुआ। तीसरे में आते हैं, 8 से 2 घटाया 6, 4 में 2 जोड़ा 6, हाँ देखो 1-1 हो गया, तो ये हो गया। तो थोड़ा सा तो लिखने के फर्क आ जाता है, जिससे ये बराबर जो है आपका ब्लॉक मेथड बाजी मार के ले जाता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 1240 रुपए की एक धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग इस टू बी का भाग बराबर 6:5 है, तथा बी का भाग इस टू सी का भाग 10:9 है, तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो हमने किया हुआ है, ए इस टू बी 6:5, B:C 10:9, और A:B:C है, तो हमें जानते हैं बी बी बराबर करना होता है, यहां 5 है यहां 10 है, तो नेचुरली हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 × 2 = 10, ये 6 × 2 = 12, देखो 2 से गुणा कर दिया, 12:10 है, तो ये 10 10 हो गया, ये 12, ये तो 9 तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो A:B:C क्या हुआ, 12 10 9। अब क्या है, बार टोटल रुपए कितने, 1240 रुपए, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 12x + 10x + 9x = 31x, तो x का मान होगा क्या, 1240 / 31 = 40 रुपया, c
सी का हिस्सा कितना था, सी बराबर 9x है, तो 9 को 40 से गुणा किया। अब इसको ब्लॉक मेथड में करते हैं, तो देखो ए बी का 6/5 है, ए बी लिखते हैं यहां 6 और 5 लिखा, ये तो बाद में होता है। फिर हमने लिखा क्या, सी और डी का, देखो बी और सी का, तो 10 और 9 लिखा। अब देखो यहां 10 है, बी 5 है, तो इसे जब से तब तक 2 से नहीं गुना करेंगे तो 10 नहीं होगा, तो इसे 2 से गुना किया 10 हुआ, इसको 6 से गुना किया 12 हुआ। अब तो फिर क्या हो गया, ओरिजिनल क्या सजा, ए 12, बी 10, सी 9। अब इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 31 के होगा। यहां पे एक्चुअली डी नहीं होना चाहिए, यहां पे जब उसने जिसने बनाया था उसको यार ये डी नहीं होगा, क्योंकि डी तो है ही नहीं गेम में, ठीक है ना, ये ब्लैंक घर होता है। ये 31 हो गया। अब 31 होने के बाद हमें क्या मिला हुआ है, हमें ये मिला हुआ है के का मान निकालना है, तभी हम हमारा क्या सी जो है 9k है, ठीक है ना, यहां 9 देख के समझ गए 9k है, तो 9k का मान नहीं होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो 31k इसको जब जोड़ा तो 31k हुआ, 31k बराबर 1240, तो k बराबर 1240 बटे 31 बराबर 40, तो c बराबर क्या है, तो 9k होता है, c बराबर 9k, ठीक है ना, यहां 9x है, यहां क्या है 9k है, तो 9 लिखा, k का मान 40 लिखा, बराबर 360 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर भी मैटर इज ओवर। चलिए नेक्स्ट मैथ करते हैं। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है, उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से, मतलब 12 बच्चे और ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका रेशियो 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या रहती थी। देखिए भैया ये टायर 2 है 2012, एकदम करंट क्वेश्चन है, इसको इसलिए दिया कि अब तो इस क्वेश्चन का कोई माँ बाप नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी चला आता है, थोड़ी सो दिमाग में तैयारी होना चाहिए। और इतने छोटे को आप देखते हैं तो समझ में आता है, इसमें मेरे को एक लालच हो जाती है कि भैया आप भी जान लो, ऐसी जरूरत नहीं है कि आप जो सीजीएल करने वाले हैं वो बड़े इसके कर, हाँ हम सीजीएल सीख रहे इसलिए हम जानते हैं, दूसरे कोई नहीं जानते हैं। नहीं, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, सरल है, तो सबको जानने का हक है। तो देखो 4x, हमने 4:6:9 है, तो मैंने इसको 4x 6x 9x कर दिया। अब बोलता है कि सब में 12 विद्यार्थी जुड़ जाते हैं, तो चलो 4x के साथ 12 विद्यार्थी उस क्लास में डाल दिया, 6x के साथ 12 विद्यार्थी डाल दिया, ये किसका लिया, 4x और 6x। तो यहां इसके अनुपात बोलता है 7:9 लिखा। अब इधर से इधर गुना किया, इधर से उधर गुना किया, 4×9=36 गुना 12×108, 6 से गुना किया, 6×7=42 और 84। तो इससे क्या हुआ, 42 से 36 घटाएंगे तो 6x होगा, 108 से 84 घटाएंगे तो 24 होगा, x बराबर 4 होगा। तो पूछा कक्षाओं में वृद्धि के पहले कुल विद्यार्थी, कक्षाओं में तो वृद्धि 12-12 करके हुए ना, पहले क्या था 4x 6x 9x था, तो मतलब तीनों क्लास में कितना था 19x, तो 19 और x का मान तो हमें पता चल गया 4, तो मतलब ये तीनों क्लास में 76 लड़के थे। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, 4:6:9 है, 4k 6k 9k सीधा लिख दिया, तीनों में 12 स्टूडेंट बढ़ते हैं, 12 12 12 लिख दिया, और उसके बाद इसकी रेशियो क्या होता है, 7:9:12 लिख दिया। अब जरा एक थोड़ा सा देखते हैं यार, हम ऐसे गुना करते हैं 4×9=36, 6×7=42, तो पहले 42 लिखते हैं, नीचे 36 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 4×9=36 था, ठीक है ना, तो 9 को कहां से गुणा किए थे, 4 से गुणा किए थे, ठीक है। अब क्या है, अब आता है 9 से फिर इसको 36 गुना किए थे, इसको 6×7=42 गुना किए थे, तो हमने देखो 9 को पहले गुना किया था, ये बाद में, पहले 7 को 6 से गुना किया था, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 9 से 12 गुना करते हैं 108, और 7 से 12 गुना करते हैं 84। ध्यान देना दोस्त, ये बेसिकली यहां पे ये ब्लॉक में लिखा जाता है, ये प्लस प्लस कुछ नहीं आता है, बराबर कुछ नहीं आता है, बड़े आराम से होता है, इसको बहुत बार मैंने दिखाया है,
तो ये क्या है, इक्वेशन को लिखने का एक तरीका है। अब क्या मेरे को सुविधा हो गया है, जो इक्वेशन यहां लिखा जा रहा है वो उसको ब्लॉक में लिखा जा रहा है, तो आपको भी समझ में आ जाता है। पहले आप बोले थे सर ये कैसे करते हो, मैं जब करता हूं तो होता नहीं है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल लिखा हुआ नहीं था, मैं समझाता था, कहीं आप मिस कर जाते तो ये नहीं होता था। अब क्या है कि आपके ओरिजिनल में भी रेगुलर मेथड पे ही है और इसको लिखा कैसे जा रहा है उस समझ में। तो हम इन दोनों के अंतर बोलते हैं, अंतर क्या है, 6 के है। यहाँ 108 और 84 का अंतर क्या है, 24 है। तो के बराबर 4, देखो यहाँ पे लैंड हो गए हम लोग। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुल संख्या, मतलब 4K, 6K, 9K, 6, 4, 10, 19 के। 19K बराबर 4 गुना किया 76, आंसर आ गया। ठीक, तो देखो क्या कि चीजें एकदम खुली हुई है आपके पास। रेगुलर मेथड क्या है, ब्लॉक में कैसे चला जाता है, तो आपके पास पूरा की पूरी संभावना के साथ सब कुछ है। अब देखिए आज का क्लास यही खत्म करते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा क्लास हो गया और कुछ कुछ वीडियोस और भी हैं जो मैंने पहले तो दिया ही हुआ है आपको कि इसमें कि आपको कौन कौन से वीडियो इस सप्ताह में हुआ, और कुछ मेरे चुने हुए वीडियोस हैं जो भी आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। और अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ साथ यह घंटी जरूर दबाएं, घंटी नीचे जो देख रहे हैं घंटी उसको दबाएं, बिना घंटी दबाए आपको नोटिफिकेशन नहीं होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को फायदा होगा, घंटी दबाते हैं आपको फायदा, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं तो घंटी दबाने से कुछ नहीं होता है। तो मतलब दो चीज करना होगा, यूट्यूब ने बोला है, सब्सक्राइब भी कीजिए घंटी भी दबाइए। ओके देन, चलिए।